भारत में जहां एक ओर धर्म की पूजा होती है, वहीं खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है और इसी क्रम के तहत एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें देश भर के कई राज्यों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही पदाधिकारी चुने गए हैं। जानकारी देते हुए फेडरेशन के सदस्य राधेश्याम सैनी ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यों से आए खिलाड़ियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और हमारी संस्था के द्वारा जल्द ही देश के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी योजना बनाकर तैयार की जाएगी ताकि देश के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ कमल दत्ता हूँ। मैं एक वेल नोन इंटरनेशनल कंजर्वेटिव या फिर दक्षिणपंथी एक्सपर्ट हूँ राजनीतिक चीजों पे, विदेश नीति और आर्थिक नीति पे, और मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा बहुत ही मधुर ताल्लुकात है। चलते कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी तलाश हो, तो अनगिनत एरिया पे, अनगिनत जगहों पे टैलेंट ही दिखाई देता है। और ये जो युवा शक्ति है इस देश की और नारी शक्ति इस देश की, वो तो अपने आप में ऐतिहासिक काम कर रहा है। और ये संस्था जो है, ये आपके वर्ल्ड ये जो आपके जो तमाम जितने सारे इंटरनेशनल लेवल पे जितने सारे संस्थाएं हैं, वर्ल्ड कबड्डी एसोसिएशन हो गया, फिर वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जिसको हम लोग जानते हैं वो हो गया, फिर उसके साथ साथ इंडिया कबड्डी एसोसिएशन सारे एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 2036 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स हो, भारत में ओलंपिक्स हो, और उसके लिए मोदी जी की बहुत प्रयास है। और मैं को नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत गौड़, मैं तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो AKFI का मीटिंग चला, AKFI का नया फेडरेशन का नया पूरा प्रेसिडेंट और टीम चुना गया। इसके चुनाव में वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के लामा जी और अन्य नेता पूरे इसमें मौजूद थे। आज बहुत खुशी हुई, देश भर जो कबड्डी को अन्याय हो रहा था, ये प्लेयर्स को जिस तरीके से अन्याय कर रहे थे, उसके बावजूद लड़ लड़ के पूरा जो गलती कर रहा है उसको कॉर्नर करके आज फिर कबड्डी को एक नया दौर और प्लेयर्स को पूरी तरीके में जस्टिस दिलाने के वास्ते उनका जो मेहनत है उसको सही फल उन तक प्लेयर्स तक पहुंचने के लिए ये नया कबड्डी फेडरेशन AKFI काम करेगा। आगे जो भी प्लेयर्स के तरफ से या फेडरेशन के तरफ से हर प्लेयर को जस्टिस मिलने के लिए ज़रूर लड़ेंगे, उन लोगों को इंसाफ करेंगे। थैंक यू। इससे नए युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? जो जो नया प्लेयर अभी प्रो कबड्डी होने दो, नहीं तो कबड्डी का खेल होने दो, ये पावर गेम है। वो बहुत पैशनेट से प्लेयर्स गांव-गांव से एक ड्रीम लगा लेके जो आ रहे हैं, उन लोगों को फेडरेशन तक आए तक खेलने का मौका नहीं मिल रहा, कई तरीकों से उनको अन्याय हो रहा। ये मैं युवा क्रीड़ाकारियों को एक सूचना दे रहा हूँ, आज का जो AKFI का टीम बना, ये गांव-गांव तक ये बदलाव लाएगा। हर प्लेयर को उनके प्लेइंग कैपेसिटी या उनके एबिलिटी के हिसाब से वो उनको जस्टिस मिलेगा। थैंक यू। देखते हुए इलेक्शन होना ज़रूरी है, फेडरेशन का होना ज़रूरी है, और ठीक फेडरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो चुनाव हुए हैं, क्या ये आगामी ओलंपिक्स के लिए तैयारियां की जा रही हैं? ओलंपिक्स में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब उन्होंने सोच लिया है, खेलो इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने बोला है कि 2036 में कोशिश करेंगे, जो बोल देते हैं वो कोशिश ही नहीं करते, कन्फर्म ही करते हैं। 2036 ओलंपिक इंडिया में होगा ही होगा और नरेंद्र मोदी जी इसको करवा के ही रहेंगे। क्या आपकी फेडरेशन इसमें अपनी टीमें उतारेगी? हमारी कोशिश है कि हमारी फेडरेशन और स्ट्रॉन्ग हो, हम अच्छे से इसमें भाग लें और हर बच्चा हर युवा इसमें आ गया है। जैसे हरियाणा के बच्चे अभी एशियाड में भी हरियाणा के बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया है, उसका रीज़न यही है कि वहाँ के बच्चों में मतलब नशों से दूर हैं, वो सिर्फ खेलों पर ध्यान देते हैं। अब किसी भी हरियाणा के गाँव में जाके देखो, किसी में भी जाके देखो, तो 100 घरों का गाँव होगा ना, तो 50 बच्चे ग्राउंड में होंगे, जो बाकी इंडिया में कहीं पर भी नहीं है।
आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि नशों से दूर होके खेलों पे ध्यान दें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो कंट्री ठीक रहेगी। हमारा हिंदुस्तान एक युवा कंट्री है जिसमें युवा बहुत हैं, और हमारे पास एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिला है जो देश को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। मेरा नाम मनु सिंह टेलर कहते हैं और मैं भारतीय नवसैनिक सामाजिक महासंगठन हूँ, जो कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारधारा को स्थापित करने में कार्य कर रहा है, उसी के मैं फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।